अभिनंदन है, स्वागत है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रलोभन अपने पढ़ा था, उस प्रलोभन में आप लोगों का जो सने मिला, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, पजेसी प्रोनाउन, जो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, बस 5 या 7 मिनट का टॉपिक है, उसमें अपना आज इसको क्लियर कर देंगे, ज्यादा बड़ा कहीं पास नहीं बनने वाला। पजेसी प्रोनाउन जो होता है उसका हिंदी अर्थ होता है शोविंग पजेशन, यानी कि ये किसी वस्तु पे अपना अधिकार दर्शाते हैं। जैसे मैंने कहा दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर मेरा है, यानी इस पे मेरा अधिकार है। या कहा दिस बुक इज माइन, वो पुस्तक मेरी है। या फिर मैंने कहा दिस इज माई चेयर, ये मेरी पुस्तक है। तो जो पजेसिव पार्ट उसको दो भागों में बांटा जाता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँ कि पजेसिव को किस प्रकार अपन दो भागों में बांटते हैं। मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था, तो इनकी चर्चा मैंने आपके साथ खूब की थी, यानी कि मैंने लिया पजेसिव। पजेसिव है, इसको दो वर्ग में बांटा जाता है। एक होता है पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पहला जो पार्ट होता है इसका होता है पजेसिव एडजेक्टिव। एक होता है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। मेनली आज अपन पजेसिव प्रोनाउन का अध्ययन कर रहे हैं, बट जब पजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो साथ में पजेसिव एडजेक्टिव को पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। उन दोनों में अपन अंतर करके देखेंगे। पहले मैं बताता हूँ पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव में आता है My, our, your, his, her, their, ये सब के सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं। अगर मैं पजेसिव प्रोनाउन की बात करूं तो पजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, दूसरा अपना होता है ours, फिर अपना एक हो गया yours, फिर अपना हो गया his, एक हो जाता है हर्ज, और एक हो जाता है देयर्स। ये लिखे आपके सामने बोर्ड पे पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की पूरी लिस्ट मैंने रख दी है। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में मेन अंतर क्या होता है, क्या आपको पता है? चलिए मैं फटाफट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि एडजेक्टिव नाम से ही पता है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आती है, और प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आती, क्योंकि प्रोनाउन का यूज खुद ही नाउन की जगह होता है। ये जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव हैं इनके बाद डेफिनेटली कोई ना कोई नाउन आएगी, इनके बाद कोई ना कोई नाउन का यूज होता है। और ये जो पजेसिव प्रोनाउन है नेक्स्ट जो मैंने लिख रखे हैं, इनके बाद कोई नाउन का यूज नहीं होता, क्योंकि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव जहां भी काम लेंगे इसके बाद हमको नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाम लिखना जरूरी नहीं, पहला अंतर इनका ही होता है। दूसरा ये होता है इन दोनों का प्रयोग भी किसी वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में किया जा सकता है, यानी कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट भी इनको अपन ले सकते हैं, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी अपन ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के द्वारा समझाना चाहूँ, पहले मैं आपको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में अंतर बताता हूँ। मैंने लिखा माय अंकल इज अ टीचर, माय अंकल इज अ टीचर, कि मेरे चाचा जी एक टीचर हैं। या फिर मैं ऐसे लिखना चाहूं कि इसमें मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके और यहाँ पे ब्लैंक देना चाहूं, और मैं पूछना चाहूं कि यहाँ पे मैं माय हर्ज माइंड और किसका यूज कर सकता हूं, तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर आप इसमें हर्ज माइंड और आवाज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है, इनके बाद नाउन का यूज नहीं होता। और यहाँ पर किसका यूज मिला, नाउन का यूज, यहाँ पे किसका यूज होना था, माय का। इस प्रकार पजेसिव एडजेक्टिव को वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी लिया जा सकता है। अब मैं एक सेंटेंस आपको ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शाता हूं। दिस इज माय चेयर, ये मेरी कुर्सी है, तो इस रूप में भी अपने इसको यूज ले सकते हैं। पर मेनली अपना जो काम है वो था पजेसिव प्रोनाउन को समझना, तो चलिए मैं पजेसिव प्रोनाउन को यूज में लेता हूं। जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, इज अ न्यूक्लियर फैमिली, मैंने लिखा इज अ न्यूक्लियर
फैमिली, और न्यूक्लियर का होता है मतलब एकल परिवार, कि ये मेरा एकल परिवार है। इसमें मैं आपको ऑप्शन डालूं माइन या फिर माई या योर, तो आप किसका चयन करने वाले हैं? देखिए ध्यान से, इज ए न्यूक्लियर फैमिली, क्या आप माइन लगाएंगे, क्या आप माई लगाएंगे, क्या आप योर लगाएंगे? डेफिनेटली आप यहां जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव यूज में लेना हो तो उसके बाद नाउन का आना जरूरी होता है। अगर पजेसिव प्रोनाउन लेते हैं तो उसके बाद नाउन का यूज नहीं होता। इट मींस माई और योर का यूज नहीं हो सकता क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव है। यहां यूज होगा माइन का, माइन इज ए न्यूक्लियर फैमिली, की मेरा परिवार है वो एकल परिवार है। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं माई फैमिली इज न्यूक्लियर, यानी दोनों का यूज किया जा सकता है। माय फैमिली इज ए न्यूक्लियर, यानी कि यहाँ पे मैंने पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया है और वहां ऊपर मैंने पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया है। बस अंतर इतना है कि अगर आपको पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगी, अगर पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है तो उसके बाद नाउन का यूज नहीं होता। जैसे अपने एक सेंटेंस नेक्स्ट और लेते हैं और उसमें आपको फिलअप करना है कि आप इसमें पजेसिव एडजेक्टिव फिलअप करेंगे या पजेसिव प्रोनाउन करेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस दिया, दिस बुक इज, यहां पे मैंने ब्लैंक दिया है, आपको सोच समझ के फिलअप करना है क्या आएगा। आवर, आवर्स, हर, देयर, यानी कि किस पजेसिव का मैं यूज करूं, पजेसिव एडजेक्टिव का करूं या पजेसिव प्रोनाउन का करूं, ताकि सेंटेंस ग्रामेटिक की दृष्टि से क्या हो जाए, सही हो जाए। देखिए दिस बुक इज, ये पुस्तक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप कोई पजेसिव एडजेक्टिव लेंगे तो उसके बाद नाउन आना जरूरी है, पजेसिव प्रोनाउन लेंगे तो उसके बाद नाउन का आना जरूरी नहीं है। तो इस सेंस में यहाँ पे मैं देखना चाहूँ, आवर पजेसिव एडजेक्टिव है, हर पजेसिव एडजेक्टिव है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव, इट मींस इसका यूज नहीं हो सकता। यहाँ पे यूज किसका होगा, आवर्स, ये पुस्तक हमारी है। तो इस प्रकार जो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है, इन दोनों का यूज किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। इसका चलिए एक स्ट्रक्चर में आपके सामने और रखता हूं जिसमें आप फाइंड आउट जो एरर करेंगे। जैसे हीज सेंटेंस लिया मैंने, हीज मार्क्स आर, हीज मार्क्स यानी उसके नंबर आर हायर देन, यहां पे मैंने ब्लैंक डाल दिया। ध्यान से वाक्य को पढ़िए, हिज मार्क्स आर हायर देन। अब मैं यहां पे आपको ब्लैंक में पूछना चाहूं कि क्या यहां पे ही आ सकता है, क्या यहां पे हर जा सकता है, क्या यहां पे योर आ सकता है, या फिर यहां पे देयर आ सकता है। आप सोचिए क्या फिलअप करेंगे। मैंने कहा है हिज मार्क्स उसके नंबर मेरे नंबर के बजाय ज्यादा है, तो आप किसका यूज करें? मैंने पहले बताया है कि जब बात पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की हो रही हो तो आपको क्लियर करना है कि ब्लैंक के बाद नाउन आए तो पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, वरना पजेसिव प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे अपन ही भी नहीं ले सकते, अपन योर्स भी नहीं ले सकते, देर भी नहीं ले सकते, अपने पास क्या बचा, हर्स। इसकी जगह दूसरा वर्ड भी अपन यूज कर सकते हैं, हिज मार्क्स आर हायर देन, अगर आप हर लगाएं तो उसके बाद आपको मार्क शब्द द्वारा लिखना पड़ेगा, नहीं कि अकेला आप हर लगा सकते हैं। अगर मैं पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करूं तो दोबारा उसी नाउन का हमें क्या करनी पड़ेगी, पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करना चाहता हूँ तो मैं भी हर भी लिख सकता हूँ, वो भी एकदम सही है। चलिए एक अपन दूसरा सेंटेंस और लेते हैं। इसमें जो पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन की बात चल रही है, इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, पजेसिव एडजेक्टिव में इट्स भी आता है, इट्स प्लस नाउन, ये भी पजेसिव एडजेक्टिव, बट यहाँ इसका कोई पजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है। जैसे सेंटेंस के बारे में आपको समझाऊं, द हॉर्स, द हॉर्स फेल डाउन, कि घोड़ा है वो गिर गया, द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक लेग, घोड़ा गिरा और उसका पैर है वो ब्रोक हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको पूछना चाहूं कि यहाँ पे इट्स आएगा,
या कि यहाँ पर हार जाएगा या फिर यहाँ पे मान लीजिए कि आप देर जाएगा। आप एस लगने से ऐसा नहीं माने कि एस लगने से कोई पजेसिव प्रोनाउन बन रहा है, इट के साथ एस लगता है फिर भी वो पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, वो पजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। घोड़ा है तो घोड़े के लिए अपन हर जी अगेंस्ट काम में भी नहीं लेंगे, अपन काम में लेंगे इट्स की घोड़ा गिर गया, उसने अपने पैर को क्या कर लिया, तोड़ लिया। द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग, उसका पैर है वो टांग है जो टूट गई। तो इस प्रकार अपन पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में हमने फुली ये सीखा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। दोबारा बता देता हूँ दोनों का यूज, कि जो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है दोनों अधिकार स्थापित बताते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन का आना जरूरी होता है, पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगी। पजेसिव प्रोनाउन की जगह पजेसिव एडजेक्टिव भी ले सकते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव की जगह पजेसिव प्रोनाउन का यूज हो सकता है, पर ध्यान रखना है कि इसके साथ नाउन नहीं लगेगा, इसके साथ आपको नाउन लगाना पड़ेगा। दूसरा, दोनों का यूज किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, दोनों को अपन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी ले सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी ले सकते हैं। दोनों का प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल वर्ब के साथ या नाउन के साथ हो सकता है, यानी कि इन दोनों को सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसमें कोई अंतर है तो वही है, ये दोनों एक दूसरे की जगह पर यूज किए जा सकते हैं, इतने रूल्स बनते हैं, एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने अभी लिया था ना, कि मैंने लिखा इट इज नॉट माय फॉल्ट, इट इज नॉट माय फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। इट इज, यहां पे आप योर्स भी लगा सकते हैं, यहां पे आप योर फॉल्ट भी लगा सकते हैं। इसलिए मैंने ये कहा है कि इन दोनों का एक दूसरे की जगह यूज किया जा सकता है। अंतर ये रखना है कि पजेसिव प्रोनाउन लगे तो उसके बाद नाउन का यूज नहीं करना है, पजेसिव एडजेक्टिव लगे तो उसके बाद नाउन का यूज अपन करेंगे। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं और इसमें आपको पूछते हैं कि इसमें फाइंड एरर कीजिए आप, मैंने कहां गलत किया है और उस गलत चीज को आपको कैच करना है, शायद आप आसानी से कर लेंगे। मैं एक सेंटेंस लिखा हूं, दिस इज योर बुक, दिस इज योर्स बुक एंड दैट इज माइन, तो सेंटेंस दिया मैंने एंड से जोड़ की, आपको क्लियर करना है इसका कौन सा पार्ट गलत है, यानी कि कौन से भाग को मैंने गलत किया है। एक दो तीन, फटाफट रीड कर लीजिए, देख लीजिए, जहां गलती होगी वो आपकी आईज से एकदम से स्टिक होगी, दिख जाएगी कि हाँ यहाँ पे गलती है। चलिए मुझे बताइए, इट इज योर्स बुक एंड दैट इज माइन, की ये आपकी पुस्तक और ये मेरी है। आप कहेंगे सर ये पार्ट गलत है, क्योंकि योर जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी नाउन का यूज नहीं हो सकता। दिस इज योर्स एंड दैट इज माइन, फिर सेंटेंस का जो सेंस है वो भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे योर्स ने आपको क्या होना चाहिए था, योर होना चाहिए था। दिस इज योर बुक, ये तुम्हारी पुस्तक है, दैट इज माइन और वो मेरी पुस्तक है। तो इस प्रकार इनके यूज में गलतियां की जाती है। चलिए एक इसका मैं सेंटेंस आपके सामने और रखता हूं और आपको कैच करना है कि इसमें कहां मैं गलती कर रहा हूं। जैसे हीज राइटिंग स्पीड, हीज राइटिंग स्पीड इज फास्टर देन मी, देखिए His writing speed is faster than me, लिया मैंने। आपको देखना है मैंने कौन सी चीज इसमें गलत की है, यानी कि कौन सा पार्ट इसका गलत है, आपको क्लियर करके मुझे बताना है। डेफिनेटली आप यहाँ मी की तरफ रुकेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में तुलना हो रही हो तो दोनों का जो केस होता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्टिव केस में काम कर रहा है, नाउन एडजेक्टिव वो तो यहाँ पे पजेसिव है, तो यहाँ पे पजेसिव ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होना चाहिए, यहाँ भी किस में होना चाहिए, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे मी का यूज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे अपन यूज कर सकते थे माइन या फिर कह सकते थे हिज राइटिंग स्पीड इज फास्टर देन
माई स्पीड, ऐसे भी अपन यूज में ले सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने कहा कि इन दोनों का यूज बगैर किसी अंतर के एक दूसरे की जगह अपन कर सकते हैं। शायद आप इन दोनों को अच्छी तरह से डील कर चुके हैं। अब जो पजेसी प्रोनाउन का एक प्रोनाउन मैंने बचा के रखा का बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने में लेके आता हूं। और वो अपना प्रोनाउन है वन, वो प्रोनाउन है वन। एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि वन का मतलब किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति होता है। वन शुड कीप प्रॉमिज, प्रॉमिज। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, क्या मैं हिज ले सकता हूं, क्या मैं हर ले सकता हूं, क्या मैं ये वंस ले सकता हूं, क्या मुझे ये वंस लेना होगा, आपको क्लियर करना है। वन शुड कीप प्रॉमिज, एक व्यक्ति को अपना वादा नहीं माना चाहिए। सोचिए कौन सा सकता है। वन एक ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जो तीनों फॉर्म अपनी खुद की रखता है। वन वन सेल्फ, यानी कि आप वन की जगह हिज या हर का यूज नहीं कर सकते। वन का जैसी केस अपना स्वयं का रखेगा और वो होगा वन। स्ट्रक्चर में भी ध्यान दीजिए, डायरेक्ट वन जैसी नहीं है, ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया जाता है। तो वन शुड कीप वन प्रॉमिज, के व्यक्ति को अपना है वो वचन नहीं पाना चाहिए। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं। वन शुड डू, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वन का, वन शुड डू वर्क, वन शुड डू वर्क, या फिर यहां पे एक मैं ब्लैंक और दे देता हूं। यहां पे मैं आपको पूछना चाह रहा हूं कि इसमें कौन सा पेयर आएगा, क्या वन या वन सेल्फ आएगा या वंस या वन सेल्फ आएगा या हिज या हिम सेल्फ आएगा या फिर वंस या योर सेल्फ आएगा। योर सेल्फ, आपको एक पेयर का चयन करना है। वन सूट वर्क, यानी कि मैंने पहले क्लियर कर दिया, अभी एक मिनट पहले बताया कि जो वन है इस, ये जो तीनों प्रोनाउन अपने खुद ही रखता है। वन का वन जो है इसका पजेसिव और रिफ्लेक्सिव हो जाता है। वन सेल्फ, आप भूल के भी हिज और हिम सेल्फ वन की जगह यूज नहीं कर सकते। इस पार्ट में गलत क्या हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे योर सेल्फ कर दिया, वन का योर सेल्फ नहीं होता, वन सेल्फ ही होता है। इसमें गलती मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने कॉमा ले ली गई, ये पार्ट इसका एकदम सही है, वन और वन सेल्फ। तो ये था अपना आज का पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, जिनका एक साथ अपने अध्ययन किया। शायद आपको अच्छी तरह से ये दोनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। एक छोटा सा ट्रिक के साथ अपने वीडियोस को क्लियर किया, छोटा सा पार्ट था जिसको हम शॉर्टकट समय में हमने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे, जिसमें कोई नया प्रोनाउन का टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।